रेणुका जी डैम मैनेजमेंट के खिलाफ कल प्रदर्शन करेगी विस्थापितों द्वारा गठित संघर्ष समिति। 1960 के दशक से प्रस्तावित परियोजना का 27 को पीएम द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किए जाने के चर्चे। पहचान पत्र जारी न होने तथा मुआवजे का विस्तृत ब्यौरा न दिए जाने के चलते विस्थापितों में बांध प्रबंधन के प्रति रोष। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मात्र 40 मेगावाट की परियोजना पर खर्च हो चुके हैं करीब 700 करोड़। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले किसानों द्वारा गठित जन संघर्ष समिति कल ददाहू में डैम मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव सीयू में हुई जन संघर्ष समिति की बैठक में बांध प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों द्वारा MPF कार्ड तथा पैरा 55 के तहत मुआवजे का विवरण दिए जाने संबंधी मांग पूरी न किए जाने के चलते विस्थापित किसानों ने प्रदर्शन का निर्णय लिया। बैठक में मौजूद विस्थापित जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला, समिति के संयोजक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर तथा सह संयोजक पूरण चंद शर्मा ने बताया कि पिछले करीब 14 साल से डैम मैनेजमेंट व सरकार द्वारा लगातार विस्थापितों की अनदेखी की जा रही है। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बावजूद गत माह से डैम मैनेजमेंट द्वारा न तो विस्थापितों को पहचान पत्र जारी किए गए और न ही पैरा 55 के तहत उन्हें मिले मुआवजे का विस्तृत विवरण दिया गया। जानकारी मुताबिक 1960 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गिरी नदी पर मौजूद 60 मेगावाट की जटौन बैराज परियोजना के शिलान्यास के साथ ही रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया था, मगर तब से अब तक यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी। देश की राजधानी दिल्ली सहित 6 राज्यों को इस प्रोजेक्ट से 23 क्यूमैक्स पानी मिलने के चलते इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। हालांकि गिरी नदी में गर्मियों व सर्दियों में महज 5 क्यूमैक्स के करीब पानी रहना भी इस परियोजना पर सवालिया निशान खड़े करता है। बांध प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की माने तो बरसात में नदी उफान पर होने के दौरान 26 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर अथवा डैम में पानी स्टोर किया जाएगा, जिसे अगले कई दिनों तक दिल्ली व अन्य राज्यों को भेजा जा सकेगा। हाल ही में मंत्रिमंडल की CCEA कमेटी द्वारा इस प्रोजेक्ट को आर्थिक क्लियरेंस भी दी जा चुकी है और इन दिनों आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बाद इस डैम के ऑनलाइन शिलान्यास के चर्चे भी मीडिया में है। गौरतलब है कि करीब 7,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही इस पर लगभग 700 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जिसमें से जानकारी के मुताबिक 400 करोड़ से ज्यादा की राशि विस्थापितों को मुआवजे के रूप में जारी हो चुकी है। बांध के डूब क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले 7 किलोमीटर संगड़ा रेणुका जी नाहन मार्ग के लिए अब तक बजट उपलब्ध नहीं है और बांध बनने से पहले यदि सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो उपमंडल संगड़ा व चौपाल की 5 दर्जन करीब पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय नाहन, चंडीगढ़ व पौंटा आदि क्षेत्रों से कट जाएगा। रेणुका जी बांध के महाप्रबंधक के अनुसार विस्थापितों को MPF पहचान पत्र देने तथा पैरा 55 के तहत मुआवजे का विवरण दिए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उधर विस्थापित समिति के संयोजक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर के अनुसार परियोजना के कुछ अधिकारियों का विस्थापितों के प्रति रवैया ठीक नहीं है और हाल ही में R&R प्लान के एक वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा विस्थापित होने वाले किसानों से सम्मानजनक व्यवहार न किए जाने का मुद्दा वह परियोजना के GM के समक्ष भी उठा चुके हैं। बहरहाल कल शनिवार को विस्थापितों द्वारा अपनी मांगों को लेकर परियोजना के मुख्य कार्यालय के समीप ददाहू में प्रदर्शन किया जाएगा। से प्राप्त हुआ है कि रेणुका बांध के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पैसा दिया गया है और ये बहुत जल्दी ही रेणुका डैम बनने जा रहा है। इस संदर्भ में रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द ही हम जो है इसका विरोध करेंगे और अपनी मांगों को लेके उच्च स्तर पर इन मांगों को ले जाएंगे और हो सका तो हम जो है ना न्यायालय का सहारा ले लिया है कि हम 18 तारीख को थोड़ा अपना प्रदर्शन डैम विभाग में जाकर करेंगे जहां पर डैम बनना है और डैम का जो ऑफिस है वहां पर भी हम जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं अपने तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने संघर्ष समिति की तरफ से कि वो यहां आए, उद्घाटन करें, इसका शिलान्यास करें। ये पैसा आ चुका है दिल्ली से तो अब हमें बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है और मेरा सभी से निवेदन है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी विस्थापित लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी जो है 17 तारीख को सुबह ठीक 9 बजे आप ददाहू पहुंचे और आपको आना होगा, हर हाल में आना पड़ेगा। 18 तारीख को, माफ़ी चाहूँगा, 18 तारीख को आपको जो है सुबह 9 बजे ददाहू पहुँचना होगा।